So, इस सेशन में हम देखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग। ये सेशन नंबर 3 है फ्यूचर एंड ऑप्शंस का, लेकिन ऑप्शंस की मैं बात करूं तो ये सेशन नंबर 1 है। ऑप्शन कॉल और पुट। ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन डेरिवेटिव है, ठीक है। ऑप्शन के दो पार्ट होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। पहले ऑप्शन क्या होता है देखते हैं। द टर्म ऑप्शन रेफर्स टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट मींस हमें डेरिवेटिव होता है, ठीक है, बेस्ड ऑन द वैल्यू अंडरलाइंग सिक्योरिटी। दो डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन होगी। एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, अब ध्यान सुनना, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑफर द बायर, यानी कि ऑप्शन बायर। ऑप्शन बायर मतलब कॉल का भी बायर हो सकता है और पुट का भी बायर हो सकता है। द अपॉर्चुनिटी टू बाय और सेल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे होल्ड अंडरलाइन से। मतलब अगर मैंने कहना है कि ये बायर है ऑप्शंस का, ऑप्शन बायर को कहता है कि मैं इस एसेट को इस पर्टिकुलर डेट में बाय करूंगा, दैट मींस मैं कॉल ऑप्शंस खरीद रहा हूं। डो नॉट वरी एट ऑल कि अभी क्या होता है। मैं अभी सिर्फ एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं। अगर मैंने ये वादा किया है कि मैं इस डेट में ये सिक्योरिटी को सेल करूंगा, सिक्योरिटी मतलब कोई भी शेयर को सेल करूंगा, तो मैं पुट ऑप्शन खरीदता हूं, ठीक है। द होल्डर, होल्डर का मतलब होता है बायर, वर्ड याद रखना होल्डर, ठीक है, टर्मिनोलॉजी है, ध्यान रखना, आगे बहुत कम है। होल्डर एंड राइटर, ऑप्शन राइटर किसको कहते हैं, जो कॉल और पुट को बेचते हैं उनको बोलते हैं राइटर, और जो कॉल और पुट को खरीदते हैं उसको बोलते हैं होल्डर, ठीक है। कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग बहुत ज्यादा ध्यान रखना। राइटिंग मतलब राइटिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि आगे जो भी सेशन होंगे उसमें राइटिंग का वर्ड यूज करूंगा मैं सेल की जगह पे। द होल्डर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बाय द और सेल द एसेट, ठीक है। अभी हम देखते हैं कॉल ऑप्शन की डेफिनेशन क्या होती है। ये हो गया आपका ऑप्शन की डेफिनेशन, ये एक राइट मिल जाता है बाय या सेल करने का पर्टिकुलर डेट पे पर्टिकुलर प्राइस पे, एक ऑप्शन है, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉल ऑप्शन क्या होता है। बिल्कुल लेमन लैंग्वेज की डेफिनेशन है, गूगल पर सर्च करिए, कुछ नहीं। ऑप्शन टू बाय एसेट्स एट एन एग्रीड प्राइस बिफोर पर्टिकुलर डेट, ठीक है, और बिफोर और अ पर्टिकुलर डेट। थोड़ा सा एक्सटेंशन करते हैं इसका, ये देखो, बायर ऑफ अ कॉल ऑप्शन। पुट ऑप्शन की चिंता मत करना, पुट ऑप्शन के नेक्स्ट सेशन है, अभी हम सिर्फ कॉल ऑप्शन को देखेंगे। कॉल ऑप्शन का वैल्यूएशन कैसे होता है, आईटीएम कॉल्स क्या होती है, ओटीएम कॉल्स क्या होती है, एटीएम कॉल्स होते हैं, ऑप्शन से देखेंगे, इतना देखेंगे। पुट ऑप्शन का अभी नहीं देखना, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। बायर ऑफ अ कॉल ऑप्शन हैज द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। मतलब अगर मैं कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूं किसी एसेट का, तो मेरे पास एक राइट आ जाता है कि मैं इस शेयर को या इस एसेट को बाय करूंगा, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है। ऑब्लिगेशन मतलब मेरी कोई ड्यूटी नहीं है कि मैं जरूरी ही बाय करना है, मेरे पास सिर्फ राइट है कि मैं बाय करूंगा, ठीक है। एट एन एग्रीड क्वांटिटी प्राइस क्वांटिटी जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है एट अ सर्टेन टाइम, वही एक्सपायरी जो लास्ट टर्म जो होती है, मैं पिछले सेशन में देखा था, ठीक है। यह है कॉल ऑप्शन। अब हम थोड़ा सा स्टोरी बैकग्राउंड में आते हैं अपने वापस से, ठीक, एक स्टोरी देखते हैं। सपोज कीजिए आपको अपनी गर्लफ्रेंड या आपके बॉयफ्रेंड या आपके फियोंसी या जिससे एंगेजमेंट हो रही है उसके लिए आपको एक रिंग चाहिए, करेक्ट। आज डेट है 5 जनवरी, आपको आपकी एंगेजमेंट है लेट्स से 26 जनवरी 27 जनवरी जिस भी दिन हो। आपके पास आज पैसे नहीं है उस रिंग को खरीदने के लिए और रिंग की कीमत है 5 लाख रुपए और आपको रिंग पसंद आ गई, आपको लेनी ही लेनी है, तो रिंग का प्राइस क्या है 5 लाख रुपए, ठीक। आप क्या कर सकते हो, आपको टेंशन है कि पैसे तो आ जाएंगे मेरे पास लेकिन आज 5 लाख रुपए नहीं है, आगे चल के 5 लाख रुपए होंगे, तो आप क्या करोगे, आप उससे कहो, लेकिन गोल्ड का प्राइस अलीगढ़ ना, गोल्ड की रिंग है और डायमंड भी लगे हुए हैं रिंग के अंदर, तो दोनों का प्राइस है, आगे चल के बढ़ सकता है। गोल्ड प्राइस तो आज अगर 45-40 हजार रुपए पर तोला है तो कल को बढ़ सकता है 50 हजार रुपए हो सकता है, डिपेंड करता है। तो आपने क्या किया, आपने कहा, अपने ज्वेलरी शॉप पे गए या जिस पे भी, आपने कहा भाई साहब मैं आज तो बाय नहीं कर पाऊंगा लेकिन मुझे आप 5 लाख रुपए की प्लीज 26 से 27 जनवरी को दे देना। तो वो कहेगा अच्छा अगर गोल्ड प्राइस बढ़ गया तो मुझे नुकसान हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो आपने क्या किया, एक प्रीमियम का अमाउंट दिया, ठीक है, आपने कहा मैं आपको 8 हजार रुपए दे देता हूं, आप समझ रहे जैसे टोकन मनी देते हो उस तरीके से, आपने कहा ये 8 हजार रुपए ले लो लेकिन मैं ही 5 लाख रुपए पे खरीदूंगा, अगर कल को ये रिंग 5,50,000 हो गई तो मैं आपसे 5 लाख रुपए पे ही लूंगा, इसलिए मैं आपको 8,000 रुपए प्रीमियम दे रहा हूं। अब अगर कल को रिंग, कल को मतलब 27 जनवरी को रिंग हो गई 4.5 लाख की, तो हमने देखा था कॉल ऑप्शन जो लोग बाय करते हैं उनके पास राइट होता है, ऑब्लिगेशन नहीं होती है, तो मैं 4.5 लाख बाय कर लूंगा, ठीक। तो ये आपने प्रीमियम दे दिया 8,000 रुपए का।
अब आपका मैक्सिमम लॉस क्या है, ये 8,000 रुपए। अगर ये 8,000 रुपए आपने पेमेंट लेट से आपने रिंग नहीं खरीदी तो ये 8,000 रुपए तक कई लॉस होगा ना आपको, या आपने कल को रिंग की कीमत हो गई 5.5 लाख रुपए तो आपको फायदा हो जाएगा क्योंकि आपने 8,000 रुपए खरीदे, आपने तो 5 लाख रुपए का ही वादा किया था खरीदने का। तो ये है आपका, आपने क्या किया, कॉल ऑप्शन को बाय किया। अब जो लोग कहते हैं कॉल ऑप्शन बायर होता है उसको एक मिनिमम मतलब एक लॉस की लिमिट होती है और प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है, वो कैसे होता है, लेट्स सी। देखो कल को अगर ये 5,50,000 की रिंग हो गई ठीक, तो आपको फायदा कितना हो जाएगा, 5,50,000 रुपए का फायदा हो जाएगा। 8,000 रुपए का प्रीमियम तो मोटा मोटा 42,000 रुपए का फायदा हो जाएगा। कल को ये रिंग हो गई 10 लाख की 17 जनवरी, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, ऐसा होता नहीं है ठीक है, मान चलो कि एक महीने में ये हो गई रिंग 10 लाख की, तो आपको प्रॉफिट कितना हो गया, 5 लाख रुपए का सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया। अगर एग्जैक्ट बात करें तो 8,000 रुपए माइनस करके 4,92,000 का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट क्या दिख रहा है, अनलिमिटेड प्रॉफिट है। लोग कहते हैं कॉल बायर को अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है और जो कॉल सेलर होता है उसको अनलिमिटेड लॉस होता है। क्यों, क्योंकि इसने 8,000 रुपए की कॉल सेल करी हुई है, 8,000 रुपए का प्रीमियम सेल किया हुआ है, तो इसका लॉस तो अनलिमिटेड हो गया ना। कल को 15 लाख की हुई तो और बड़ा लॉस हो जाएगा, लेकिन जो बायर होता है उसको 8,000 रुपए का लॉस होगा। लेट्स से कल को रिंग 4.5 लाख रुपए की हो गई, 3 लाख रुपए की हो गई, तो वो अपना ऑप्शन को एक्सरसाइज ही नहीं करेगा, कहेगा भाड़ में जाओ ऑप्शन में, तो 3.5 लाख रुपए का लूंगा, रिंग 8 दिन की होगी तो क्या होगा उसको, मैक्सिमम लॉस कितना हुआ, 8,000 रुपए का ही लॉस। तो जो कॉल बायर होते हैं उनका लॉस लिमिटेड होता है, जो कॉल राइटर होते हैं उनका लॉस अनलिमिटेड होता है। एक मजे की बात बताता हूं, 90% ऑफ द लोग जो होते हैं वो कॉल बायर होते हैं ठीक है, जो रिटेलर्स होते हैं, और 90% लोग मार्केट में पैसा लूज भी करते हैं, 10% लोग पैसा कमाते हैं और 10% लोग ऑप्शन राइटिंग करते हैं। तो ये आपका फंडा है कॉल का ठीक है। अब इसमें कॉल क्या है, आपका जो प्रीमियम आपने ये दिया है दैट इज योर कॉल ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आई डोंट थिंक इसमें यहां तक कोई दिक्कत आने वाली है, समझने बेसिक ये हमने समझा कॉल ऑप्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये देख लिया। अब हम थोड़ा सा लेवल टू पे आते हैं, लेवल टू पे हम क्या देखेंगे, तो हमने इसका कॉन्सेप्ट देख लिया कि कॉन्सेप्ट क्या होता है कॉल बायर का, कि लॉस लिमिटेड है 8,000 रुपए तक का ही लिमिटेड है, अनलिमिटेड प्रॉफिट है ठीक है, ये सब चीजें हमने लोगों ने देख ली। अब थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे हम लोग आते हैं इसके ट्रेडिंग वाले पार्ट पे ठीक। अब इसकी 8,000 की वैल्यू क्यों है, इसकी 6,000 क्यों नहीं है, इस कॉल ऑप्शन की इसकी 5,000 क्यों नहीं है, इसका जब हम वैल्यूएशन वाला पार्ट देखेंगे तब देखेंगे। अभी देखते हैं कि आपके पास अगर आप स्टॉक मार्केट में कॉल ऑप्शन में तेजी बनाना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन क्या है, या तो आप उसका स्टॉक खरीद दो, एक ऑप्शन ही है, या आप उसका फ्यूचर बाय कर लो। हमने पिछले सेशन में फ्यूचर देखा था कि फ्यूचर कैसे बाय करता है, फ्यूचर क्या दिया है वो पता चल जाएगा, फ्यूचर बाय करें, या आप कॉल बाय कर लो ठीक है। जो हमने 8,000 रुपए का बाय किया, अब क्या होगा, कल कोई 5,50,000 रुपए की होगी तो आपको फायदा हो जाएगा, या अगर कल कोई 3 लाख रुपए की भी हो जाए, 2 लाख रुपए की बिलिंग हो जाए, तो आपको मैक्सिमम लॉस कितना, 8,000 रुपए का ही है। देन पुट ऑप्शन को सेल करना, ये हमारा नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, हम पुट को भी देखेंगे, अभी हम सिर्फ यहां वाले पे फोकस कर रहे हैं कॉल को बाय करने में, तेजी बनाने में। डेफिनेशन हम लोगों ने देख ली, इसकी एक्सटेंडेड डेफिनेशन भी देख ली ठीक है, ITM, OTM एंड स्ट्राइक प्राइस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका आता है ITM, OTM एंड ATM स्ट्राइक प्राइस। इस वाले एग्जांपल में हम लोग इससे कनेक्ट करते हैं, तो हमने देखा स्ट्राइक प्राइस क्या होता, प्राइस होता है जिस भी प्राइस पे हमने एग्रीमेंट किया कि हम इस फ्यूचर डेट में इस प्राइस को हम बाय करेंगे। हमारे केस में कितना था, 5 लाख रुपए जो हमारे रिंग का प्राइस था, हमने एग्रीमेंट करा था कि हम लोग भाई साहब 5 लाख रुपए पे ही रिंग खरीदूंगा मैं, चाहे जो भी, तो वो होता है स्ट्राइक प्राइस। डू नॉट वरी एट ऑल, मैं भी ऑप्शन चेन पे लेके जाऊंगा तो आपको इस सारी चीजें बिल्कुल इजीली क्लियर होकर समझ में आएगी। एटीएम क्या होता है, एट द मनी बोलते हैं इसको, एट द मनी, एट द मनी मतलब जो भी प्राइस उस टाइम पे चल रहा हुआ स्ट्राइक प्राइस के नजदीक वाला प्राइस, उसको हम एटीएम बोलते हैं। ITM और OTM क्या होता है, ITM होता है इन द मनी। अच्छा कुछ लोग इसको बोलते हैं मनीनेस ऑफ ऑप्शन, कोई भी कभी वर्ड अगर नहीं पढ़ो कभी एग्जाम लिखने बैठे हुए तो, मनीनेस ऑफ ऑप्शन का मतलब होता है इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी ठीक। स्ट्राइक प्राइस के जो बिल्कुल स्ट्राइक प्राइस के नजदीक होता है उसको बोलते हैं एट द मनी। एट द मनी मतलब जो भी स्ट्राइक प्राइस के बिल्कुल नजदीक होगा। OTM क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस से आगे, कॉल ऑप्शन केस में स्ट्राइक अभी चल रहा है 5 लाख रुपए का स्ट्राइक प्राइस है, प्रीमियम के केस में देखा था। अगर आप 6 लाख रुपए का कॉल बाय कर रहे हो, आप कहते हो कि मैं इसको 6 लाख रुपए में बाय करूंगा, दैट मींस
अगर ये 27 जनवरी को 6 लाख रुपए से ऊपर जाएगी तब आपको फायदा होगा, उससे पहले फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये रिंग मान लो 5,50,000 की हो गई तो भी आप मार्केट से खरीदोगे ना, आप क्यों खरीदोगे 6 लाख रुपए की रिंग? जब मार्केट में आपने 6 लाख रुपए में सौदा करा है तो एग्रीमेंट को एक्सरसाइज नहीं करोगे ना ऑब्वियसली, तो 5,50,000 की, तो ये आउट ऑफ द मनी जो स्ट्राइक प्राइस से दूर होता है, बाहर होता है। अभी ऑप्शन चेंज नहीं है तो क्लियर हो जाएगा। देन इन द मनी में क्या होता है, आप एग्रीमेंट करते हो कि स्ट्राइक प्राइस से भी कम, मतलब स्ट्राइक प्राइस जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उससे भी कम। लेट्स से आपने कहा कि मैं 4 लाख रुपए की रिंग लूंगा 27 जनवरी को, तो ऑब्वियसली इस प्रीमियम की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में 5 लाख रुपए चल रहा है और आप 1 लाख रुपए सस्ते का एग्रीमेंट कर रहे हो, तो कम से कम 1 लाख रुपए की तो वैल्यू होगी, प्लस जो आपका टाइम वैल्यू होता है। अब हम आएंगे इसकी ऑप्शन चेंज, तब हम देखेंगे इसको क्लियरली समझ में आएगा कैसे होगा। अब आते इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एटीएम में कॉन्सेप्ट है, उसके लिए हम ऑप्शन चेंज देखते हैं। ठीक है, ये आपकी स्ट्राइक प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस से अगर आप नीचे पे सौदा करते हो कि मुझे 17,600 की बाय करनी है कॉल, तो ऑब्वियसली वो इन द मनी है। आप सीधे सीधे देख लो, इसमें येलो कलर का हल्का हल्का दिख रहा होगा, ये इन द मनी। उधर की साइड बिल्कुल मत देखना, वो पुट साइड आएंगे, इस सेशन में देखना नहीं है, पुट साइड को नेक्स्ट सेशन में देखना, तो उसको भी छोड़ दो। क्यों तो देख रहे हैं, इसको वैल्यूएशन करने को देख रहे हैं कि वैल्यू कैसे करते हैं ऑप्शन प्रीमियम की। 17,600 का ये स्ट्राइक प्राइस है, ये सारे स्ट्राइक प्राइसेस हैं, देख रहे हैं, ये सारे स्ट्राइक प्राइसेस हैं। आप किसी का भी स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हो, मुझे 17,400 की कॉल बाय करनी है, 17,800 की बाय करनी है, 17,800। अब मेन मुद्दा आता है ये प्राइसेस कम और ज्यादा कैसे हैं, और ध्यान सुनना बहुत ध्यान से। कॉल ऑप्शन जो होता है या पुट ऑप्शन होता है, जो भी ऑप्शन की प्राइसिंग कैसे होती है ये ध्यान रखना, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस थीटा, ये एक कॉल ऑप्शन की वैल्यू निकालते हैं इसके थ्रू। नाउ इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, थीटा क्या होता है, ये हम देखते हैं। थीटा का मतलब होता है टाइम वैल्यू, आपके पास आप एक टाइम बोरो कर रहे हो, करेक्ट। अगर 27 जनवरी को आपको रिंग खरीदनी है, आज 5 जनवरी है, तो आप क्या कर रहे हो, टाइम बोरो कर रहे हो उससे कि यार 15 दिन का टाइम है, 15 दिन बाद आऊंगा। अब 15 दिन बाद अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो वो टाइम एक टाइम की वैल्यू ले रहा है ना वो आपसे इतने पीरियड में, क्योंकि उस टाइम पर प्राइस हो सकता है बढ़ जाए कम हो जाए। अब ये थीटा टाइम वैल्यू जैसे जैसे एक्सपायरी, यानी आपका 27 जनवरी को एक्सपायरी थी, तो जैसे जैसे ही 27 जनवरी नजदीक आता रहेगा आपके थीटा की टाइम वैल्यू अभी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि वॉलेटिलिटी के डिपेंड होता है, या फिर प्राइस लेट से 26 जनवरी है, ठीक है, 26 जनवरी को वैल्यू इसकी ऑब्वियसली कम होगी क्योंकि एक दिन में प्राइस उतना नहीं भागेगा, जितना दूर होगा टाइम वैल्यू जितना ज्यादा होगा टाइम की उतना इसका थीटा का अमाउंट ज्यादा होगा। ठीक है, अगर समझ में आता, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अगर नहीं समझ में आता तो आप दोबारा से देख लो, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है। जितना एक्सपायरी से दूर होगी प्रीमियम, मतलब जितना एक्सपायरी से दूर होगा कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन, उतना टाइम वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक, जितना एक्सपायरी के पास होगा उतना टाइम वैल्यू कम होगी, ये कॉन्सेप्ट है थीटा का, ठीक, टाइम वैल्यू का। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब अभी थीटा को आप फॉरगेट कर दो, केवल इंट्रिंसिक वैल्यू, आपने 8 लाख के स्ट्राइक प्राइस की, सॉरी आपने 5 लाख की गोल्ड रिंग की बाय खरीदी है, 5 लाख के स्ट्राइक प्राइस की, अगर आप ये कहो कि मैं भैया इसको 4 लाख में खरीदूंगा, तो आज ये स्ट्राइक प्राइस का 5 लाख है और आप 4 लाख में खरीदने की बात कर रहे हो, तो इस ऑप्शन की वैल्यू कम से कम 1 लाख रुपए तो होगी होगी। क्यों? क्योंकि आप 1 लाख रुपए सस्ता खरीद रहे हो, स्ट्राइक प्राइस से नीचा खरीद रहे हो। अगर आप स्ट्राइक प्राइस से ऊपर खरीद रहे हो तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होगी। क्यों? चलो इंट्रिंसिक वैल्यू की डेफिनेशन पे चलते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। ये मैंने डेफिनेशन निकाली इंट्रिंसिक वैल्यू की, ये कहता है इंट्रिंसिक वैल्यू, ध्यान से और धीरे से समझना, दोबारा सुन लेना अगर दिक्कत आती है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, ऑप्शंस है, स्टार्टिंग के टाइम आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स देगा लेकिन बहुत इजी हो जाएगा बाद में। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन इज द अमाउंट ऑफ मनी यू वुड मेक इफ यू वर एक्सरसाइज द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, वर टू एक्सरसाइज द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। आई होप समझ नहीं आया होगा, मतलब 5 लाख रुपए की आपकी वैल्यू थी रिंग की, ठीक है, द अमाउंट ऑफ मनी यू वुड मेक अगर
आपने स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, हमने देखा था स्ट्राइक प्राइस एग्रीड अमाउंट होता है, जो हम जिस पे कहते हैं कि हम इस भाव पे खरीदा बेची करेंगे एक्सपायरी पे, ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस का कॉन्सेप्ट होता है। अगर लेट्स से आज ही एक्सपायरी है और आपने ये 5 लाख की आपकी एसेट यानी गोल्ड की वैल्यू, 5 लाख निफ्टी भी हो सकती है या कोई स्टॉक भी हो सकता है, हमने गोल्ड के रिंग का एग्जांपल लिया था, हम उसको देख रहे हैं। 5 लाख रुपए का प्राइस चल रहा है अभी, पर आप कहते हो कि भाई साहब मैं इसको 4 लाख रुपए में बाय करूंगा, तो आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो उस पर? 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो उस गाड़ी का, तो इसकी वैल्यू होगी 1 लाख रुपए। और एग्जांपल लेते हैं अच्छे समझने के लिए, आप कहते हो भैया मैं 4.5 लाख रुपए की स्ट्राइक प्राइस पे लूंगा, यानी कि मैं 4.5 लाख रुपए का एग्रीमेंट कर रहा हूँ, 4.5 लाख रुपए पे लूंगा, तो इसकी इंटेंसिव वैल्यू होगी 50,000 रुपए। क्यों आया है 50,000 रुपए? अब फिर से पढ़ो उसको, इंटेंसिव अमाउंट ऑफ मनी यू वुड मेक इफ यू वर टू एक्सरसाइज द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो आप 50,000 रुपए कमा रहे हो आज ही, आज के दिन 50,000 रुपए कमा ले रहे हो ना, कैसे कमा रहे हो? क्योंकि 5 लाख रुपए की मार्केट में प्राइस चल रहा है, आप 4,50,000 रुपए का स्ट्राइक प्राइस खरीद रहे हो, तो 50,000 रुपए लेते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, 5 लाख रुपए का रिंग प्राइस था, ठीक है, 4,80,000 रुपए का आपने स्ट्राइक का आपने कॉल लिया, तो आपको कितना फायदा हो रहा है अभी? 20,000 रुपए का, क्योंकि मार्केट में प्राइस चल रहा है 5 लाख रुपए का अभी, पर आप 4,80,000 रुपए का एग्रीमेंट कर रहे हो, 4,80,000 रुपए का खरीदना है मुझे। ये है क्या इंट्रिंसिक वैल्यू, इफ यू वुड एक्सरसाइज द ऑप्शन अमाउंट ऑफ मनी यू वुड मेक, तो आप कितना पैसा कमा रहे हो? 20,000 रुपए। ये हो गया आपका पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कैन नेवर बी नेगेटिव, या तो वो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी। अब इसका मतलब क्या है, आपने 5 लाख की रिंग थी, ठीक है, अगर आपने 5 लाख का प्राइस चल रहा है स्पॉट प्राइस आज के दिन, और आपने 5 लाख का ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन खरीदा, दैट मींस क्या है कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है, क्योंकि आप प्रॉफिट हो आज मेरी लेना जीरो। अगर आप 6 लाख की स्ट्राइक प्राइस को चूज करते तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती जीरो, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी जीरो नहीं होती, जीरो हो सकती है, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी। अब आप इतना अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, अगर ये नहीं समझ आ रहा है कि 4 लाख रुपए 1 लाख रुपए कैसे आए, 50,000 कैसे आए, तो सिंपल सा फॉर्मूला देख लो, कॉल ऑप्शन की, अभी पुट ऑप्शन काट दो, कॉल ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, जिस प्राइस पर हमने एग्री किया था कि हम इस प्राइस पर बाय सेल करेंगे, और स्पॉट प्राइस जो अभी मार्केट में चल रहा है, करेंटली जो मार्केट में चल रहा है, ठीक है। तो सीधे सीधा हमने क्या देखा, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। अब बहुत ईजी हो जाएगा आपको, वो मैंने लॉजिक समझाया था, अगर लॉजिक समझ नहीं आया तो फॉर्मूला देख लो, सीधे फॉर्मूले से एक बार निकल आएगा, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सारे कॉल ऑप्शन का थीटा को बाइफर्केट कर देंगे, और सारे का कॉल ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू बाइफर्केट कर देंगे। 17,800 पे मार्केट कितना चल रहा है, 17,805, ठीक है। क्या 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 निकलेगा कॉल ऑप्शन का वैल्यू कैसे निकला, मैंने क्या बताया था, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस थीटा, ठीक है, ये कॉल ऑप्शन का वैल्यू होता है, करेक्ट ही बताया था मैंने। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, यानी कि आपका 17,805 माइनस 17,800 जो स्ट्राइक प्राइस है, ये फॉर्मूला, ठीक है ना। तो कितना, 5 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू है, बाकी सारा यानी कि अगर मैं बात करूं 83 रुपए का ट्रेड हो रहा है आपका, तो 83 रुपए में से 5 रुपए की तो इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि उसकी ट्रू वैल्यू है, और बाकी 78 रुपीज का थीटा है। ये एक्सपायर 2 दिन बाद हो जाएगा, इसकी एक्सपायरी 2 दिन बाद है, दैट मीन 39 रुपीज का थीटा आपका कटेगा 1 दिन का, अगर 2 दिन बाद एक्सपायरी है। इसकी निकालते हैं, ठीक है, इस वाले का 17,750 का इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू थीटा कितना है, ये 115 रुपए का ट्रेड हो रहा है, तो हम 115 रुपए में कैसे आए, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू और थीटा है, इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, यानी कि 17,805 रुपए माइनस 17,805 रुपए माइनस स्ट्राइक प्राइस कितना, 17,750, ठीक है। अगर आप माइनस करोगे तो आएगा 55 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू है,
प्लस ठीक है 55 रुपए के इंट्रिंसिक वैल्यू है, बाकी इसमें 60 रुपीज का थीटा है। ये आपका निकल के आ गया कॉल ऑप्शन का वैल्यूएशन कैसे होता है। सी अब बहुत इजी से आ जाएगा समझ में। अगर मैं एक लाइन में आईटीएम समझाऊं क्या है, आईटीएम वो होता है जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव होती है, ओटीएम क्या होता है जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होती है, एटीएम क्या होता है जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भाव वाली होती है, ऑलमोस्ट बराबर होती है ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस वाली कॉल ऑप्शन की, अभी हमने देख लिया इन द मनी वाले, तो हमने देख लिया इनको वैल्यूएशन करके कैसे होता है। इसमें 38 रुपीस में कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू है, जीरो। कैसे जीरो निकल के आई, हमारा फॉर्मूला क्या था, स्पॉट माइनस स्ट्राइक, ये फॉर्मूला था ना हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू का। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला 17,805 में से हम माइनस कर देंगे 17,900, और अभी हमने देखा था इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, जीरो होगी या फिर पॉजिटिव होगी, दैट मींस इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है, ये सारा का सारा थीटा है 17,900 कॉल में। अब समझ में आएगा कि 17,900 कॉल अगर कोई बाय भी करता है तब भी आप कहते हो यार कॉल नहीं बढ़े, क्यों नहीं बढ़े भाई साहब, अगर 17,805 से लेट्स से पूरे दिन भर में 820 आ गई तब भी कहते हैं कि हमारा कॉल नहीं बढ़े, क्यों नहीं बढ़े, क्योंकि वो थीटा है, इसमें 38 रुपीस का थीटा है, यानी 19 रुपए का थीटा आज कटेगा, 19 रुपए का थीटा अगले दिन, दो दिन की एक्सपायरी होती है तो 19 रुपए का थीटा कटेगा। इसका मतलब अगर ये प्राइस ऊपर भी जाएगा तब भी आप 19 रुपए से माइनस में रहोगे। इसीलिए कॉल ऑप्शन के जो बायर होते हैं उनको कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं, जो कॉल ऑप्शन के सेलर होते हैं कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाते हैं, भाई छोटा कमाते हैं, दिखने में तो अनलिमिटेड प्रॉफिट है लेकिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं होता होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कॉल ऑप्शन में बाय करने प्रॉफिट नहीं होता, मैं ऐसा कभी नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि कंसिस्टेंटली प्रॉफिट अगर कमाए तो ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा अच्छे तक कमा लेते हैं, क्योंकि थीटा आपके फेवर में होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने देखा पूरा कॉल ऑप्शन का होता है, कॉल ऑप्शन का वैल्यूएशन कैसे होता है, ऑप्शन चेन में हमने सिर्फ वैल्यूएशन का पार्ट देखा, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, आईटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है। आईटीएम क्या होता है जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव होती है, आउट ऑफ द मनी क्या होती है जिसकी पॉजिटिव इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होती है, बस इतना सिंपल है। अभी भी कोई डाउट्स होते हैं तो हम लोग इसको फिर लाइव सेशन में और देखेंगे, उसके एग्जांपल देखेंगे स्टॉक्स के साथ कैसे कैसे होगा, देन हम मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेशन होगा पुट ऑप्शंस का। अगर आपको वीडियो अगर क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है बीच में कहीं कहीं लॉजिक समझ में होने में दिक्कत हो सकती है तो आप सीधे फॉर्मूले पे चले जाओ या फिर वीडियो को दोबारा से देख लोगे सेशन को तो आपको समझ में आ जाएगा पूरे तरीके से कॉल ऑप्शंस क्या है।